दोस्तों, आज मैं सुबह से ही सो गया था। मतलब दोपहर का 2 बजे सो रहा था, अभी 5 बज रहा है, उठ रहा हूँ मैं। ठंडी लग रहा है ज़्यादा, क्यों सो गया था इसलिए। तो चलता हूँ खेत के, ठंडी हो रही है। दोस्तों, ये वाला जो धान को मैं ऐसे रख दूंगा, मतलब ऐसे ऐसे करके धान का गदा बना दूंगा खेत के अंदर, और उसके बाद कल या परसों हमें इसको लेके वहाँ पर, मतलब रोड के ऊपर गदा दे देना है। अभी के लिए, बारिश के लिए, मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही रख दूंगा। दोस्तों, ऐसे ऐसे करके मुझे सारे खेत का धान को ऐसे गदा बनाना है। दोस्तों ऐसे देखो, ऐसे ही मतलब खेत के अंदर, क्योंकि बारिश के टाइम में कोई लघुचाप हुआ है, मतलब जो कि बारिश होने वाला है, इसके वजह से खेत में धान नीचे गिरा मिलेगा तो धान नष्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने रख दिया ऐसे ही। इसको उड़िया में बोड़िया बोलते हैं, मतलब खेत में धान को इससे ऐसे तरफ से रखने को बोड़िया बोलते हैं। ये ना, मतलब काफ़ी आश्चर्यजनक बात। दोस्तों, फिलहाल हम इसको क्यों बनाए हैं पता है आपको? दोस्तों, क्योंकि आज 25 जन है और 1-2 दिन में कोई लघुचाप आने वाला है, मतलब बारिश आने वाला है, इसलिए खेत में ये ऐसे कर दे रहे हैं, क्योंकि बारिश जब आएगा ये नष्ट नहीं होगा। ऐसे पानी इसके ऊपर से गिर जाएगा, ये नष्ट नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर एक बना दिया। और वो जितना देख सकते हो, ये धान का बीड़ा है ना, इसको एक एक करके मैं यहाँ पर बांधूँगा। ये वाला भी एक है, यहाँ पर भी इसको करूँगा। दोस्तों, काम तो ख़त्म हो गया, हम घर को जा रहे हैं। ये देखो, आगे गुड़ू जा रहा है और मैं उसका पीछे जा रहा हूँ। ये लकड़ी को हमको घर को लेना है। दोस्तों, वो भी वहाँ पर है, यहाँ पर लेके जा रहा है लकड़ी, मैं भी लेके जा रहा हूँ लकड़ी, क्योंकि हमने काटा था लकड़ी।